नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी गुरुकुल अकेडमी छोटी खाटू के यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली बार पढ़ा था चैप्टर नंबर 7, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। आज उसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट भाग है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने ब्रेन तक पढ़ लिया था। ब्रेन के बाद जो हमारा दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, वो आज पढ़ेंगे हम। तो स्पाइनल कॉर्ड में ज्यादा कुछ नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड किसका बना हुआ होता है? वर्टिब्रल कॉलम का बना हुआ होता है, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। सारे जब वर्टिब्रा जुड़ जाते हैं, कितने वर्टिब्रा होते हैं? 31 पेयर्स। पेयर्स मतलब जो भी चीज, कोई भी चीज पेयर्स में आ जाती है ना, जैसे गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं, 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसी प्रकार 31 पेयर्स है यहाँ पे, तो 62 नर्व सेल से मिलकर जो न्यूरॉन, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मतलब जो सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम। और इस वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में दो प्लूड होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। जो सीएनएस होता है वो हमारा मेन सब्सटेंस होता है, जो हमारे कोई भी मैसेजेस होते हैं उसको न्यूरोन से ब्रेन तक ले जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के बाद हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, एंडोक्राइन सिस्टम। ये लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, याद रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से बनते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, उस ये हम इन चार पॉइंटों से समझ लेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो मेनी टाइप्स ग्लैंड्स सब्सटेंसेस एंड केमिकल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। अनेक अनेक टाइप के हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, जैसे ब्लड भी मान लो, नॉर्मली ब्लड ही मानते हैं हम फ्लूइड। तो ब्लड है, जो भी मतलब मेनी टाइप्स मतलब अनेक अनेक प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, ग्लैंड्स द्वारा सेक्रेट होते हैं। ऑल ओवर केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड हॉर्मोन्स। सारे जो केमिकल सब्सटेंसेस है जो रिएक्शन करते हैं, केमिकल्स मतलब जो रिएक्शन करते हैं एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस से, जो रिएक्शन करते हैं वो होते हैं हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। हार्मोन्स हमेशा ग्लैंड्स से सेक्रेट होते हैं। सेक्रेट मतलब ग्लैंड्स ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ऑल ग्लैंड्स इज एन इंटरनल पार्ट। सारी ग्लैंड्स इंटरनल पार्ट होती है, अंदर शरीर के अंदर रहती है, बाहर कुछ भी नहीं रहता। पार्ट ऑफ अवर बॉडी सो दैट कॉल्ड इज एंडोक्राइन सिस्टम। अब हमें पता रहना चाहिए कि एंडोक्राइन सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम क्यों बोलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंडोक्राइन में ऑल ओवर ग्लैंड्स की स्टडी की जाती है, और सारी जो ग्लैंड्स होती है वो किसमें प्रेजेंट रहती है? इंटरनल पार्ट में प्रेजेंट रहती है। तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है हमारा, उनमें कौन कौन सी ग्लैंड्स आती है और कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है और उसका क्या काम होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो ऊपर से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ग्लैंड आती है वो होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन होती है ब्रेन। ये ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। जो ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, उनके बीच में प्रेजेंट रहती है। तो इसका काम क्या है? कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेशन। ये हाइपोथैलेमस कोई हार्मोन सेक्रेट नहीं करता, ये बस क्या करता है, जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। दूसरी ग्लैंड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से थोड़ी सी नीचे ही पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? बिलो द ब्रेन, ब्रेन के नीचे प्रेजेंट रहती है। इसका काम क्या है? ग्रोथ ऑफ बॉडी, मतलब ये बॉडी की ग्रोथ करती है। तो बॉडी की ग्रोथ करती है, तो सिंपल सी बात है कि जो जो हार्मोन्स ग्रोथ के लिए सहायक होते हैं वो सारे सेक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटेड मतलब जीएच हार्मोन जितने भी होते हैं, एफएसएच और जीएच, वो सारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। तो ये बॉडी की मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसलिए इसको पूरी ग्लैंड में से मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बनता है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बनते हैं, मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तीसरी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड विंड पाइप, जो हमारी विंड पाइप होती है, सांस लेने वाली जो पाइप होती है, वहां पे प्रेजेंट रहती है थायराइड ग्लैंड। इसका काम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करती है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म के लिए सहायक होता है।
इसका जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है थायरॉइड ग्लैंड में, सॉरी जो भी बनता है उसके लिए जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आयोडीन। आयोडीन के बिना ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की जो कमी है वो आयोडीन की कमी होने के कारण होती है, और इसकी कमी होने से हमारे ग्योटर डिजीज हो जाती है। जो हमारी विंड पाइप होती है वो फूल जाती है, फूल जाती है मतलब इसमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई है। और कमी क्यों हो गई है? क्योंकि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई है। थायरॉइड ग्लैंड के बाद चौथी ग्लैंड आती है हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये कहां प्रेजेंट होती है? ये थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती है, जहां पे हमारी थायरॉइड ग्लैंड होती है उसमें चार जगह पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है। इनका काम क्या है? इनका काम है रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल। जो हमारी बॉडी और बॉडी में जो ब्लड रनिंग करता है उस ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कौन कंट्रोल करता है? थायरॉइड ग्लैंड। इससे पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होती है उससे जो सेक्रेट हार्मोन होता है वो होता है पैराथायरोक्सिन। पैराथायरोक्सिन का काम होता है कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल करने का। जो पांचवी ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस हार्मोन सेक्रेट करती है, ये हमारी लेरिंग्स के थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट रहती है। थाइमस ग्लैंड का काम होता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है उसमें जो काम आता है इम्यूनिटी सिस्टम, उस इम्यून सिस्टम का विकास करती है थाइमस ग्लैंड, जो थाइमस हार्मोन सेक्रेट करके करती है। उसके बाद में छठवीं ग्लैंड है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कहाँ स्थित होती है? बिलो द स्टोमच। जो हमारा आमाशय होता है स्टोमच होता है उससे थोड़ी सी नीचे जो पेनक्रियाज होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसका काम होता है इंसुलिन हार्मोन को सेग्रेट करना। इंसुलिन हार्मोन जो रेगुलेट करता है किसको? शुगर लेवल को रेगुलेट करता है कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल कितना होना चाहिए। तो माना कि जिसमें जो कहते हैं ना मतलब लो ब्लड शुगर हाई ब्लड शुगर, तो जिसमें इंसुलिन ज्यादा हो गया उसके तो हाई ब्लड शुगर, और जिसमें इंसुलिन कम हो गया उसके लो ब्लड शुगर हो जाएगा। तो इंसुलिन जो कंट्रोल करता है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा जो 7th चैप्टर था कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नए चैप्टर को लेकर जल्दी मिलेंगे, जल्दी डिस्कशन करेंगे। तब तक हमारे जो छोटी खाटू गुरुकुल अकेडमी छोटी खाटू का जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, इस पे जो भी क्लासे हैं वो देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।